everyone, my name is Karishma Mehta, the first human at Humans of Bombay. Welcome to our first talk show, How the Hell Did I Do It? On this show, we speak with the dreamers, the pioneers, the go-getters and the never-say-noers from all walks of life. We discuss their journeys, the highs, the lows and even the blows. And through our conversation, we get pretty close to figuring out how the hell did they do it. हमारे अगले गेस्ट का अंदाज कुछ अलग है। वो कभी वासेपुर के सुल्तान बन जाते हैं तो कभी बरेली के कूल पापा, कभी बनारस के छोटे से टीसी का रोल निभाते हैं और कभी मिर्जापुर के कट्टों की दुनिया को चलाते हैं। Our next guest is the country's most loved kalakar, someone who defines the term versatile, Mr. Pankaj Tripathi. What starts as a conversation between an actor and his fan quickly turns into a lesson on life, and for me, even a lesson in Hindi. And between all of this, we managed to get Pankaj ji to answer. How the hell did you do it? Thank you, sir. आप आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए. Thank you and welcome. हमारा शो है How the hell did I do it? और इसका वो एपिसोड है. लेकिन मैं एक बात बता दूं इससे पहले कि आपके जो मैनेजर सर है अहमद जी, वो मुझे पक्का ब्लॉक करने वाले थे फ़ोन पे, क्योंकि मैंने इतनी बार फ़ोन किया मुझे इंटरव्यू चाहिए. और दूसरी बात, पूरा जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का ऑफिस है वो यहाँ पे आना चाहता था. सब स्पॉट बॉय बनना चाहते थे, मेकअप आर्टिस्ट. तो आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है सब जगह. थैंक यू. आपने कभी ऐसे इमेजिन किया था जब आप बड़े हो रहे थे? नहीं कि ऐसे कभी हो सकता है कि नहीं किया था. मुझे तो मेरे गांव के पूरे गांव के लोग भी नहीं जानते थे. मेरे अपने जिस गांव में पला बड़ा हूँ कि कोई लड़का है ऐसा पंकज करके गांव में. तो बट यही तो जिंदगी है ना कि कभी आपका पड़ोसी भी आपको नहीं जानता है और एक समय आता है जीवन में किसी के भी, नॉट मेरे, किसी के भी, कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जानने लगती है. आप कुछ ऐसा करते हैं नॉट इन एक्टिंग. आपका पुस्तक देखा मैं, ऑर्डिनरी, क्या नाम था उसका, ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज. हाँ, तो वो सब आम लोग हैं ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जिन्होंने ऐसा कुछ किया है कि आपने कंपाइल किया, उनके ऊपर स्टोरी लिखी और लोग जाने. जैसे मैं दिसराज जी के बारे में उससे जाना था. तो जीवन तो यही है ना कि कब क्या होता है पता नहीं, कब कुछ भी हो सकता है. आप बस सिंसियरिटी से अपना काम करते रहो. तो मुझे अनुमान नहीं था कि मुझे इतने लोग जानेंगे, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए. अब हो गया. और कहानियों के थ्रू जानते हैं मुझसे ज़्यादा, मेरे कैरेक्टर्स के थ्रू जानते हैं, जो किरदार कैरेक्टर्स मैं सिनेमा में करता हूँ या सीरीज में करता हूँ. इस वजह से. और जब आप बड़े हो रहे थे तो आपका क्या एम्बिशन था, कि आपको क्या लगा कि मैं ये करूँगा? उस समय डिसाइडेड ही नहीं था ना. हम उस ग्रोइंग एज में, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था. तो उतनी प्लानिंग भी नहीं थी. हमें मालूम भी नहीं था दुनिया में कितनी चीज़ें होती हैं, किस किस प्रकार के जॉब प्रोफाइल हैं या प्रोफेशन है, ये आइडिया नहीं था. तो जो आसपास जो पता चला कि भाई या इधर फार्मिंग करेंगे और प्रिस्ट का काम करेंगे और सरकारी नौकरी करेंगे, जो हमारे आसपास लोग करते थे. तो मेरा भी ऐसा ही कुछ था कि या तो सरकारी नौकरी करूँगा, अगर वो नहीं लगेगा तो फिर खेती अपनी है, खेती करूँगा. बीच में होटल की ट्रेनिंग कर ली थी तो मालूम चला था कि इंडियन कुक की बहुत डिमांड है बाहर के देशों में, तो उसकी ट्रेनिंग कर लिया था. आपको कभी बाहर जाना था, देश के बाहर जाना था? नहीं जाना था. हालांकि मेरे हाथ में ज्योतिष ने एक हस्तरेखा में देख के बताया था कि इसके हाथ में बहुत सारा विदेश यात्रा है. 10-11 साल का रहा हूँ. तो और वो मेरे बहनोई ही थे मेरे घर के. तो मुझे याद है बैठक लग गई थी घर के और बुजुर्ग की, एक शादी थी मेरी बड़ी बहन की, शादी के बाद ये किस्सा हुआ था. तो हाथ देखे, बोले इसके हाथ में विदेश यात्रा है बहुत सारा. तो आपस में लोग ये डिस्कस करने लगे कि मतलब नेपाल पास में है तो नेपाल हो सकता है जाएगा. मेरे घर से 40-50 किलोमीटर दूर है नेपाल. तो बोला नहीं नेपाल नहीं, ये विदेश यात्रा है और बहुत सारे यात्रा है. तो फिर अंत में डिस्कस करके निकला था कि ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का टेक्नीशियन बनेगा और एयर इंडिया में नौकरी करेगा. उसके लिए बार बार ये बाहर जाएगा आएगा. उसमें भी पायलट नहीं बनाया था मुझे लोगों ने, टेक्नीशियन ही. हाँ, एरोनॉटिक्स मेंटेनेंस का इंजीनियर बनेगा. तो ये विदेश यात्रा से किस्सा याद आया. एक फिल्म में मैंने इस किस्से को थोड़ा सा, इसका बहुत ही ग्लिम्स इस्तेमाल भी किया है, आने वाले वक्त में दिखेगी. और जब आप इस दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गए, आपने एक नाटक किया था जहाँ पे आप लड़की बने थे, तब रिएक्शन क्या था आपके फैमिली का, आपके जो फ्रेंड्स थे? वो मतलब नहीं, कुछ खास नहीं था। वो उसके पहले जो लड़की बनता था उसको गांव में चिढ़ाते थे लोग। वो जो कैरेक्टर प्ले किया उसी कैरेक्टर से पूरा गांव उसको एक साल चिढ़ाएगा, जब तक कि दूसरा कैरेक्टर कोई और ना कर दे, कोई नई बिमला, नई संध्या, नई सरिता ना आ जाए, तब तक जो रोल आपने किया है आप चिढ़ेंगे, चिढ़ाया जाएगा उसके नाम से। तो मेरे साथ कुछ कोई रिएक्शन नहीं था, लोगों को पसंद आया। कुछ लोग चिढ़ाने का अटेम्प्ट किया, मैं चिढ़ा नहीं, तो फिर हार गए। तो क्या बेइज्जती तभी होती है जब आप बेइज्जती को लेते हैं, स्वीकारते हैं। आप मेरा बेइज्जती जितना चाहो कर लो, मैं होने ही नहीं दूंगा अपनी बेइज्जती। वो तो मेरे हाथ में है। हाँ, मेरी बेइज्जती हुई या नहीं हुई, मुझे गुस्सा होना है नहीं होना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारे बोलने से मैं गुस्सा हो जाऊंगा। नहीं नहीं, नहीं अभी मेरा मन नहीं है, मैं कल होऊंगा। खैर। और जब इसके बाद आप पटना गए थे, तब आपका जो कल्चरल एक्सप्लोरेशन था, थिएटर था, म्यूज़िक था, संगीत था, वो भी आपने कायम रखा। तो कभी बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं ये होटल का काम कर रहा हूँ लेकिन यही रास्ते में मैं शायद जा पाऊंगा? जी जी बिल्कुल था। मुझे इसमें मज़ा आता था देखने में और सुनने में। परफॉर्मिंग आर्ट और पेंटिंग, डांस, जो भी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक्टिविटी पटना शहर में होती थी तो उसमें अच्छा लगता था। तो बट इसमें करियर बनेगा ऐसा कुछ नहीं था, देखने में अच्छा लगता था। तो मैं शाम अपनी हर शाम पटना में भी, दिल्ली में भी चाहता था किसी न किसी कल्चरल एक्टिविटी को देखूं। वो डांस फॉर्म, कुछ दिन कुछ ना रहे तो मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जाके घंटों देखता था। समझ में कुछ नहीं आता था कि यार ये क्या है पेंटिंग। मतलब हमारे यहाँ तो लगता है ना कि सिंपल हो, एक लैंडस्केप की पेंटिंग हो, आदमी का हो, चेहरे का हो। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हर आदमी को समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है। ऐसा नहीं कहूँ कि अब समझ में आ जाती है। अभी भी जबरदस्ती मीनिंग ढूंढता हूँ, अच्छा जैसे अब ये है, अब देखो पता नहीं टू शॉट में दिखेगा ये क्या है, क्या होगा। बट बनाने वाले ने कुछ सोचा होगा ना, बिना थॉट के नहीं होगा। हमें समझ नहीं आ रहा है करेक्ट ये क्या है, लेकिन कुछ थॉट होंगे इसमें। तो बस एक्सप्लोर कर रहे थे आप? हाँ हाँ, जीवन को जो समझ में ना आए उसको भी ढूंढो। उसके आना ये चीजें इमेजिनेशन को दौड़ाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, संगीत हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो। तो आप ढूंढते हो कि इसमें क्या हो सकता है। तो 10 आदमी 10 मीनिंग निकाल सकता है और सब सही है, सब सही है। हमारा अपना अपने पॉइंट व्यू, अपने अपने इंटरप्रिटेशन से उसकी मीनिंग हम निकालते हैं। तो आपको याद है कब एक ऐसा वक्त जब आपने अभी कहा कि कुछ ऐसे माइंड में नहीं था कि ये करियर ऑप्शन होगा, आपको याद है कब ऐसे हुआ? एक कोई इंसिडेंट या कुछ ऐसे हुआ जब आपको लगा कि ठीक है शायद ये हो सकता है, मैं बन सकता हूं। मेरा एनएसडी का अटेम्प्ट करते करते जब एनएसडी में सिलेक्ट हो गया तो मैं सीरियस हुआ कि अब मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो वहाँ से मैं सीखूंगा और प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जगह के बाद से शायद अब मैं अपने बतौर पेशा भी एक्टिंग को ही रखूँगा, शायद, पक्का नहीं शायद। हाँ, क्योंकि एनएसडी से हर साल 20-25 बच्चे आते हैं, निकलते हैं। तो उनमें से व्यावसायिक अभिनेता कितने बनेंगे? व्यावसायिक अभिनेता मतलब आप समझिए, व्यावसायिक अभिनेता नहीं। मुझे लगा मैं जैसे हिंदी बोल रहा हूँ, यहाँ जो पीढ़ी बैठी है ब्लैंक हो जाएगी। व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल एक्टर, प्रोफेशन को व्यवसाय बोलते हैं। व्यावसायिक अभिनेता मतलब मेरा व्यवसाय अभिनय हो, इसी से मेरी रोजी रोटी, जिंदगी, परिवार चले। तो व्यावसायिक प्रोफेशनल एक्टर को हिंदी में व्यावसायिक अभिनेता बोलते हैं। बहुत सीखा हम सब ने आज। और इससे पहले जब आप स्कूल में थे, 11th स्टैंडर्ड में थे, आप अपनी पत्नी से मिले तो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि जैसे लव एट फर्स्ट साइट था। तो अभी जो ये जो टिंडर बम्बल की एज में हम आ गए हैं, तो क्या ये एक्चुअली ऐसे होता है और कैसे हुआ? आपको क्या लगा, वो जर्नी कैसी थी? क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है आपकी लाइफ में। मुझे पता नहीं, मैं कुछ प्लान करके ऐसा नहीं जी रहा था कि अभी भी मुझे नहीं मालूम ये सब कितने आपने नाम लिया वेबसाइट का। हाँ। तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं दुनिया में थोड़ा पिछड़ा व्यक्ति हूँ, इसीलिए ऐसे जंगल किनारे रहता हूँ। तो इंटरनेट की दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। क्या क्या मेरे फ़ोन में कोई ऐप नहीं है सिवाय 4 ऐप के। कौन से 4 ऐप है आपके फ़ोन? अब वो तो नाम उनका लूँगा तो 3 उसमें सोशल प्लेटफॉर्म के हैं और 1 बैंक का है। और उसके सिवाय कुछ नहीं है, ना संगीत है ना गाना है। क्यों ऐसे? लेकिन मतलब ज़रूरत ही नहीं है, मेरा जीवन बिना ऐप के भी चल जाता है। तो लेकिन आपने आपके आप वो जर्नी शुरू कैसे हुई? आपने उनको देखा, आपको कैसे लगा? आप अरे कोई लड़की को देखता है आदमी, वो पसंद आती हैं और दिल में प्रेम उमड़ता है। और इतना उमड़ता है कि कई बार नियंत्रण नहीं रहता है, आप दिन रात उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं। और फिर आप तय करते हैं कि अब इन तक प्रस्ताव पहुँचे या मेरी भावना को समझें। तो ये समझाने में 11-12 साल लग गए और फिर हमारी शादी हो गई। अब हम लोग वैवाहिक जीवन में हैं और अभी भी एक दूसरे को समझ रहे हैं, क्योंकि प्रेम और समझना एक लाइफ टाइम का प्रोसेस है। ये इंस्टेंट है नहीं कि प्रेम हो गया अब हो गया नहीं, उसको उस प्रेम को सस्टेन भी करना है। और जब आप एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं तो कई सारे कॉम्प्लेक्स कम होते हैं। तो हम उस फेज में हैं, लगभग मिड एज की तरफ पहुंच रहे हैं। 47 मिड एज ही कहा जाएगा। तो अभी भी समझ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। लेकिन आपने ये भी कहा था कि काफ़ी कठिनाई थी आपको शादी करने में, क्योंकि उनकी फैमिली आप फैमिली शायद आपकी बहन और उनके नहीं हम लोग जी 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 हाँ सॉरी आपका नहीं आप बोलिए। नहीं वो कोई भी प्रेम विवाह में, और मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल माहौल से आता हूँ तो मैं उसको तो वहाँ पे स्वाभाविक है कि थोड़ी मुश्किलें थीं। मैं शायद अपने गांव का पहला व्यक्ति होऊंगा जो प्रेम विवाह किया है। हाँ तो जो भी कोई पहला काम करता है तो मुश्किल आती ही है ना। तो वो आपने कैसे मेंटेन किया, क्योंकि इस पीढ़ी में बहुत ही इस जनरेशन में संबंधों को और प्रेम को मेंटेन करने में भी बहुत कसरत होता है। हाँ सब वर्कआउट कर रहे हैं, मेंटल फिजिकल वर्कआउट चल रहा है हर जगह। नहीं बहुत सहज है जीवन। और ये जो आपका आपके रिलेशन है जो मनोज वाजपेयी जी से, तो आपने पहले सुना कि वो नदी के उस पार का कोई एक्टर बना है, फिर आपने उनसे पटना में मिले, आप जब मौर्या होटल में थे आपने वो उनकी चप्पल ले ली और फिर आप उनके कोस्टार बन गए। मतलब बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपको वो जो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको बनाने में कोशिश करते। मनोज भैया के लिए और पूरे संसार के लिए वो चप्पल होगा, मेरे लिए वो चरण पादुका थी। अभी भी है आपके पास? नहीं अभी नहीं है क्योंकि अब वो मन में है, अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन मेमोरीज में है, यादों में है। तो राम जी जब वनवास गए थे ना तो भरत को सत्ता दे के गए थे, राजा तुम बनोगे। भरत ने बोला नहीं, बड़े भैया इसके हकदार थे, तो मैं उनका चरण पादुका ले लिया और रख दिया कि मैं मतलब यही है। तो हमारे लिए वैसा ही है कि मनोज भैया की जर्नी से मैं इंस्पायर हुआ। मैं मुझ में वो क्षमता आई कि मैं कर सकता हूँ या जा सकता हूँ। एक रेफरेंस है, हम जीवन में रेफरेंस खोजते हैं ना कि ऐसा कोई किया है क्या, ऐसा हुआ है क्या। तो मुझे दिखा कि ऐसा हुआ है, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के साधारण पृष्ठभूमि के आदमी एक्टर बने हैं। और मुझे कभी भी सिनेमा के ग्लैमर साइड से प्रभाव नहीं था कि तो वो था कि मैं आर्ट को समझूं और थोड़ा जिस टाइप का एक्टर अभी लोग मानते हैं बोलते हैं उसी टाइप के एक्टर बनने की ख्वाहिश भी थी मुझे। जब आपने पहली बार उनको सेट पे मिले गैंग्स ऑफ वासेपुर तो कैसे लगा आपको, क्योंकि आपने वो इमेजिनेशन में ही देखा होगा। और अभी रियलिटी में हो गया। अच्छा लगा। मैं उन्हें बताया भी कि मैंने चप्पल चोरी आपसे मिला था। तो फिर तो बोले अच्छा मुझे तो याद नहीं है। बोला आपको याद नहीं है, आप आए थे एक रात के लिए। अब एक एक्टर के जीवन में बहुत लोग मिलते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और हम कई बार बात करते हैं, हंसते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि रोज़ 200-300 लोग मिलते हैं नए नए। मेरे साथ भी होता है, कई बार कोई आकर बोलता है मैं मिला था वहाँ, मुझे याद ही नहीं आता कि कब मिला था, कहाँ मिला। बोलते हाँ मिले होंगे। नहीं मैं मिला था। मैं बोला हाँ मिले होंगे आप, मैं अभी इस समय भूल गया हूँ, पर कोई बात नहीं, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फिर मिल रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगा था उनको देख के, मिल के। मैं किस्सा बताया और फिर हम अपने अपने सीन करने में लग गए। मेरा बहुत कम पार्ट था वासेपुर में मनोज भैया के साथ, एक ही दिन था। फर्स्ट पार्ट के एंड में। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि वो फिल्म एक्चुअली आपकी जो करियर ग्राफ में है वो टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि आपको बहुत लोगों ने नोटिस किया। तो उसके पहले जब आप मुंबई में 8 साल तकरीबन थे, 2004 to 2012, तो उसके बारे में आप बताइए कैसे था, क्योंकि 8 साल बहुत ही लंबा था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। प्रेम में और जिसमें धीरज की बात हमने की, तो धीरज में कट रहे थे 8 साल। हम काम ढूंढ रहे थे और हिम्मत हार नहीं रहे थे, और घर पत्नी चला लेती थी, टीचर थी। हाँ, टीचर थी वो, तो सब ठीक था। वो 8 साल अच्छे गुजरे, काफ़ी सुखद गुजरे। उनकी यादें हैं, हम अभी भी उन मोहल्लों में, उन गलियों में अक्सर जाते हैं जहाँ हम उन 8 सालों में रहे थे, जिन बिल्डिंग्स में। कहाँ रहे? चारकोप में, मलाड वेस्ट में। तो मैं अभी भी पिछले 15 दिन पहले गया था, रात को कहीं शूटिंग से लौट रहा था, तो मैंने गाड़ी बोला इधर से ले चलो थोड़ा, तो उस गली में गया, उस बिल्डिंग तक गए, रुके, देखे। एक घर भी है उसमें मेरा, तो वहाँ भी मैं 2-4 महीने पे जाकर बैठता हूँ। खाली घर है लेकिन वहाँ बैठता हूँ, वहाँ से सुंदर तालाब दिखता है और मंदिर। तो वो आप जैसे ये बहुत ही पॉजिटिवली कह रहे राइट कि अच्छे थे, पीसफुल थे वो दिन। हाँ। लोग बहुत कहते हैं कि स्ट्रगल पीरियड होता होगा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि जब सीड्स ज़मीन में दबा होता है और वो स्प्राउट बनने के लिए अटेम्प्ट करता है, फेवरेबल कंडीशन खोज रहा होता है कि मुझे थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ी धूप भी चाहिए, थोड़ा पानी भी चाहिए, तभी तो सीड ग्रो करेगा। और उसकी ग्रोइंग पीरियड 4-5 दिन लगते हैं, 10-15 दिन लगते होंगे, डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स। तो वो फिर पीरियड बुरा कैसे हो सकता है? वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कि स्ट्रगल है कि स्ट्रगल है कि मुझे ग्रो करना है यहाँ से। तो आप कंटेंट नहीं बदल सकते हो। एक सीड का कंटेंट है कि आपको मिट्टी में दबा रहना है 5 दिन, और वहाँ गर्मी होगी और फिर आपको पानी चाहिए, आपके सर्वाइवल पे खतरा भी होगा, लेकिन उसका कंटेंट आप नहीं बदल सकते हैं, दबना है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल सकते हैं कि मुझे ग्रो करना है, कि इस प्रोसेस के बाद ही मैं ग्रो होऊंगा। तो वो फॉर्मेशन का पीरियड है, वो बुरा कैसे हो सकता है? उसमें दुख और निगेटिविटी कहाँ से हो सकती है? वो तो वो आवश्यक है, वही ऑर्गेनिक है। तो मेरे पास, इसीलिए मेरे पास सुनाने को कोई दुख भरी कहानियाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन दुख भरी कहानियों में भी मैंने बेहतरी ढूंढ ली। कि ये प्रोसेस है, आपको जो चीज़ जवान को बहुत स्वाद देती है ना, संभावना है कि वो स्टमक को ठीक ना लगे। जो बहुत कीमती है ना, महंगा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बेहतर भी हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है और कुछ नहीं है। देखो, प्रवचन से भर दूंगा मैं, जो बच्चे सुनेंगे उनकी ज़िंदगी। तो आप मुझे कुछ मेमोरीज बताइए, हैप्पी मेमोरीज उस टाइम के, जो भी आपके दिमाग में। हम मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरा चारकोप घूमते थे। वहाँ के हर सब्जी वाले और दुकान वाले, बेकरी वाले, कपड़े वाले, सब मेरे परिचित हैं। हॉकर्स, अखबार वाले, अभी भी मैं, मेरे ज़्यादातर सामान उन्हीं दुकानों से आते हैं अभी भी। तो मेरा चश्मा का वही है, चारकोप की ऑप्टिकल्स की दुकान। अगरबत्ती की वही दुकान है जहाँ उस समय लेते थे पूजा में, अभी भी वहीं से अगरबत्ती, धूप, ये चीज़ें आती हैं। तो मैं जीवन में उन्हीं लोगों से अभी तक जुड़ा हूँ जिनसे मैं आज से 15-20 साल 25 साल पहले जुड़ा हुआ था। मेरे नए फ्रेंड सर्कल नहीं बने हैं, तो वही लोग हैं जिनके साथ हम रहे हैं, वही जगह है, दुकानें। तो, और ये मैं अपने आप को बढ़िया साबित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है जो है वो है। हाँ। और आपने कहा कि नए फ्रेंड्स नहीं है, तो जब आपकी एंट्री हुई बॉलीवुड में और ऑब्वियसली आपको इतने क्रिटिकल अक्लेम मिले, तो अभी आपके दोस्त हैं कि अभी भी आप ये जो पार्टीज़ वगैरह है वो तो आप जाते ही नहीं हो? तो आपका ये प्रेफरेंस क्यों है कि मैं, ये अलग लाइफ है, ये मेरा काम है? मुझे कई बार लगता है कि अभी मैं, पता नहीं, मुझे हमेशा से लगता था कि सामने वाले को मैं अगर बात करूं, मेरी विचार मिल रही है, तब तो दोस्ती अपने आप हो जाती है। वैचारिक एक कुछ तो चाहिए ना कॉमन, कि एटलीस्ट हम लोग दोनों फूडी हैं, खाने के ऊपर बात कर सकते हैं। दोस्ती के लिए आइदर हम दोनों बॉडी बिल्डिंग फ्रीक हों, फिटनेस फ्रीक हों, तो कोई एक एलिमेंट चाहिए कॉमन, तभी दोस्ती बढ़ती है। Correct. तो मेरे ज़्यादातर चीज़ें टैली मैच नहीं होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो दुश्मन है। मैं संभाव जो भी नया एक्टर मेरे साथ काम करने आता है डे वन सेट पे, उससे भी मेरी उतनी ही सहजता से बातचीत होती है। मैं उसके बारे में जान लेता हूँ, कहाँ से हो, क्या करते हो, परिवार में कौन कौन है, हर किसी से। तो क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सामने वाले को थोड़ा जान लेना, और मुझे रहा नहीं जाता है कि मैं आपको देखूं और मैं आपके बारे में ना जानूं। मैं आप इंटरव्यू के पहले मैंने अहमद से पूछा कि कौन है, क्या है, तो मुझे थोड़ी सी आइडिया आपके बारे में लग गया था। जैसे मैंने पूछा आप जर्नलिज्म की हैं क्या, वो प्रश्न था मेरे मन का, तो मैं पूछ लिया। तो वो इसलिए नहीं है दोस्त क्योंकि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हम इतना एक अति व्यस्त रहते हैं, मिलना कम होता है। प्लस वही है जो मेरे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी आइदर आर्ट को लेके और खाने को लेके और दर्शन को लेके, फिलॉसफी को लेके कहीं कुछ कनेक्ट हो, तो उनसे मेरी बातचीत होती है। और आप जब घर आते हो तो आप क्या करते हो? बस मतलब आपके फिल्म के अलावा की लाइफ के बारे में आप? फिल्म के अलावा की लाइफ मेरी बहुत बड़ी है। मैं कुछ नहीं, खाना बनाता हूँ, चिड़िया को देखता हूँ, चिड़ियों की जर्नी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, और जो माइग्रेटरी बर्ड यहाँ आती हैं उनके बारे में सर्च करता हूँ। फिर मेरा नेचर को लेकर बहुत जुड़ाव है, फार्मिंग को लेकर बहुत है, पर्यावरण को लेकर बहुत है, तो मैं उनके बारे में पढ़ता, लिखता हूँ, जानता हूँ, खोजते रहता हूँ कि वो मेरे लिए वो सब। अब एक्टिंग मेरे लिए सिर्फ सर्वाइवल का और जीवन चलाने का एक मीडियम है। मैं एक्टिंग के लिए नहीं जीता हूँ, जीने का पर्पस कुछ और है। एक्टिंग उस जीवन में बेसिक कठिनाइयाँ ना हो, एक व्यवसाय से व्यवसायिक एक्टर, मतलब मेरा धन संपत्ति आता रहे, ताकि मैं, ऑफ कोर्स आर्ट में मज़ा आता है मुझे, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ नौकरी के लिए करता हूँ, नौकरी के लिए कुछ और कर सकता था, बट मेरा इतना नहीं है कि शूटिंग पैकअप होने के बाद भी मैं कैरेक्टर के चक्कर में पड़ा रहूँ और चिंतित रहूँ। मैं बहुत ज़्यादा अधिक लोड नहीं लेता काम का। सेट पे देखता हूँ कई नई बच्चों को जो बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि जीने मरने का प्रश्न बना लें हम एक्टिंग को और सिनेमा को। ये टेक गड़बड़ हो गया तो जीवन तबाह, नहीं, रीटेक कर लेंगे। हाँ, झूठी तो क्रिएट कर रहे हैं, इतना लोड क्यों लेना, आराम आराम से कर लेंगे। मैं कभी भी आर्ट के लिए कमरा बंद करके 10 दिन नहीं बैठ सकता हूँ। मैं इमेजिनेशन में कमरे को बंद करके बैठ लूँगा, मैं फिजिकल करने नहीं जाऊँगा। आपको याद है, आप इन सभी सालों में आपको ऐसे लगा हो कि हाँ अब वो आई मेड इट मोमेंट बोलते हैं ना, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो कब हुआ था? नहीं, इन दिनों तो 6-8 साल पहले से, 1 साल से जो कोविड कम हुआ, जब थोड़ी चीज़ें खुली और मैं बाहर आने जाने लगा, तो मुझे रियलाइज, तब भी मुझे आई मेड इट नहीं महसूस होता है। मुझे लगता है कि बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, मैंने क्या मेडिट किया है, कुछ मेडिट नहीं किया है। आप क्या करना? इतना ही मेडिट किया है कि मैं मुंबई में घर खरीदना चाहता था और मैंने घर खरीद लिया, बाकी क्या किया, क्या हूँ। कहानियों का हिस्सा बनता हूँ, वो कहानियाँ आपको छूती हैं, वो कैरेक्टर्स आपको पसंद आते हैं, उसमें मेरी अपनी मेहनत और सिंसियरिटी होती है, बाकी कुछ क्या मेडिट, कुछ मेडिट नहीं। लेकिन आप खुश तो हुए होंगे जब आपको से गैंग्स ऑफ वसेपुर हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि चाहते थे लोग बतौर एक्टर जाने, जब आफ्टर वसेपुर लोग जानने लगे तो खुशी तो हुई होती, बिल्कुल हुई थी। और जब आपको ये आपने कहा कि वो 8 इयर्स आपकी वाइफ संभाल रही थी, तो जब आपको उस टाइम वो पेचेक मिला तो आपने कुछ खरीदा, आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मुझे याद है 1700 रुपया था पहला पेमेंट मेरा, 1700। किस फिल्म का? या फिल्म नहीं था, एक टीवी शो था। हाँ। पहला काम करने गया था, तो चूंकि पहला दिन था तो याद है, पहला दिन और पहला पेमेंट, बाकी का याद नहीं है। वो भी बहुत दिन, 3-4 महीने बाद मिले थे 1700, और वो एपिसोड ऑन एयर भी नहीं हुआ था, चैनल ने रिजेक्ट कर दिया था, तो बाकी तो याद नहीं है। आप अपने विलेज वापस जाते हैं? हाँ हाँ, हर 3 महीने पे। वाह। और अब कैसे लोग आपको रिसीव करते हैं? नॉर्मली कि ये नहीं, मुझे नॉर्मली रिसीव करता हूँ। ऐसे कुछ नहीं होता? नहीं, वहाँ जाते मैं नीम का दतवन तोड़ के, दातुन नीम का, मेरे नीम के पेड़ है घर के बाहर, और वापस खाली पैर, वहाँ गांव में मैं खाली पैर ही रहता हूँ, क्योंकि मिट्टी का अर्थ का कनेक्शन हमारा शहरों में कम हो जाता है, हर वक्त जूते रहते हैं, तो मैं वहाँ जाके गांव में 3-4 दिन रहूँगा, तो मैं जूता चप्पल दिन भर नहीं पहनता हूँ, रात को सिर्फ पैर धो के पहनता हूँ बस। दिन भर मैं मिट्टी के टच को महसूस करता हूँ। और जो मिर्ज़ापुर है वो आई थिंक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है जो कालीन भैया, सब देख, यहाँ पे तो सभी ने देखा है, 2-3 लोग कुर्ता भी पहन के आए हैं। तो जब आपने वो स्क्रिप्ट देखा तो आपको क्या लगा कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना पॉपुलर हिट हो जाएगा, मुझे लगा अच्छा रोल है, बढ़िया है, मज़ा आएगा। और मुझे वो उनकी सटलिटी पढ़ते वक्त दिख गई थी कि यार इसको बड़ा अंडर कंट्रोल वे में परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। एक्टिंग में आप बिना बहुत ज़्यादा कम किए हुए असर ज़्यादा हो, और एक्सप्रेशन का और का अमाउंट कम हो, तो बहुत लाउड ना हो, तो वो ट्राई किया और वर्क कर गया उसमें, तो पसंद आ गया। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन? बहुत मुश्किल है। मिर्ज़ापुर में मेरा आपका ही है। मुझे लगता है बीना रसिका दुग्गल, बहुत अच्छा कैरेक्टर। हाँ। और आपको इंटरेस्ट बहुत है पॉलिटिक्स में, आप इंटरेस्टेड हो, जैसे आप कह रहे बहुत सारी चीज़ों में, तो अगर आप फिल्म नहीं करते तो ऑल्टरनेट करियर क्या होता आपका? मैं फार्मिंग होता, और या होटल की नौकरी होती, और पता नहीं राजनीति भी हो सकता था, मुझे नहीं मालूम। हो सकता था क्योंकि मैं छात्र नेता था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था मैं। हाँ। तो अगर ये नहीं होता तो क्या होता कहना मुश्किल है, लेकिन ये 2-3 में से कुछ होता, इनमें से। तो अब ये अगला सेगमेंट है जिसमें आपके बारे में जो गूगल पे नहीं मिलता, ओके, तो ये रिसर्च हो चुका है। अच्छा, तो वो क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ठीक है? आपको ज़्यादा क्या पसंद है, वेब सीरीज या फिल्म? एक्टिंग। आपका सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर? मेरे ख्याल से गुड़गांव का कहरी सिंह। गुड़गांव एक फिल्म आई थी, छोटी फिल्म। आपका सबसे पहला देखा हुआ बॉलीवुड फिल्म? अंधा कानून। हाँ, या नाम नहीं, अंधा कानून। आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है? नहीं, मुझे माधुरी दीक्षित जी अच्छी लगती थी, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ अभी तक। पंकज जी फादर और एक्टर? फादर, ऑफ कोर्स। अगर आप पास्ट में जा सकते थे तो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका पार्ट आप अच्छी तरह कर सकते हैं? अपनी या दूसरों की? दोनों, अपनी और दूसरों की। मैं अपनी तो हर फिल्म में अच्छी तरीके से कर सकता था, हर रोल, क्योंकि वो उस समय का ट्रूथ था। आज मेरी सोच या मेरी समझ थोड़ी सी बदली हुई है या हो सकती है, तो हमें लगता है कि हम इस रोल को और बेटर कर सकते थे। मुझे तो लगता है देख के कि यार इसको और ठीक किया जा सकता था। तो अपना तो हर रोल, दूसरों का मैं जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। आपका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस? बहुत मुश्किल है, अब अपनी मिठाइयों की तारीफ कैसे करूं? एक जो भी आपको लगता है। नहीं, वो अलग है। कॉम्प्लेक्स था, कठिन था। गुड़गांव मुझे मज़ा आया था, कालीन भैया में, न्यूटन में, सत्तू में, हर रोल में मैंने उतने एंजॉय किया करते हुए। गुंजन सक्सेना हो, सत्तू हो, कागज हो। तो अब मुश्किल है बताना अपनी एक परफॉर्मेंस को। जो परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगी वो भी बताना मुश्किल है, क्योंकि शर्मिंदगी होगी मुझे कुछ बता के। हैं, बहुत सारी हैं जो अच्छी नहीं लगी। और जब अभी हम एक इंटरव्यू कर रहे थे दिल्ली में, तो हमने उनसे बताया कि हम आपसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने एक्चुअली कहा कि आपको उनको एक खत देना है, तो वो अब मैं आपको देने वाली हूँ। दीजिए। अच्छा, ये तो बड़ा सस्पेंस है, किसका कर रहे थे इंटरव्यू? अच्छा, आप देख लीजिए। फ्रॉम महुआ मित्रा। पॉलिटिशियन महुआ मित्रा। ओह अच्छा, रेखा कि आपको ये देना ही है उनको खत, मैंने अब कभी नहीं मिली हूँ तो आप, और कभी बातचीत भी नहीं है तो आप खत दे दीजिए सर। ठीक है, थैंक यू। तो मैं इसको रख लूँ? आपको अगर खोलना हो तो खोल सकते हैं। नहीं वो क्या पता वो ठीक है, मैं पढ़ूंगा इसको इत्मीनान से। धन्यवाद। नमस्ते महुआ जी, धन्यवाद आपका। अभी हम आपको एक पुराना फोटो दिखाएंगे। हाँ जी दिखाइए ना आपका, और आप बताइए कि इसकी बैक स्टोरी क्या है। हाँ, ये मेरे प्ले का है रेणु के रंग। फणीश्वरनाथ रेणु एक लेखक हैं बिहार, नॉर्थ बिहार में पूर्णिया के। उनकी कहानी पे तीसरी कसम बनी थी, राजकुमार साहब की फिल्म। वो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, बहुत मेरे पसंदीदा लेखक हैं। उनकी एक कहानी है पंचलाइट कि एक गांव में बिजली बत्ती नहीं है तो पेट्रोमैक्स पंचलाइट खरीदने जाते हैं मेले में। तो मैं उसमें हम 3 कहानियाँ करते थे रेणु के रंग के नाम से। उसकी तस्वीर है, सुनील बिहारी है मेरे साथी, ब्रिलियंट एक्टर हैं, पटना में हैं, बहुत ही बढ़िया अभिनेता है सुनील। और बाकी भी इसमें थे बहुत सारे लोग। तो ये इस प्ले का हमने 250-300 शो किया था पूरे भारत में। रेणु के रंग, रेणु की 3 कहानियाँ थी, पंचलाइट, ना जाने के हिवेश में और रस्ट्रिया। आप 16 साल के पंकज को क्या एडवाइस देते हैं? वही बोलूँगा जो मैंने बोला, और डिस्ट्रैक्ट होते हुए करेक्ट बोला कि तुम जो उस समय सोचते थे, जो प्रोसेस था तुम्हारा बिल्कुल उचित था और वैसे ही रहना। क्योंकि मैं मेरे पास प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों का मैं आंसर ढूंढता था और उसके लिए मैं भटकता था, लाइब्रेरी में जाता था, टीचर्स को मिलता था, अकेले बैठ के सोचता था। तो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए उस समय सब सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल नहीं थे, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। सोचो, प्रश्न लाओ, उनका उत्तर ढूंढो, तो वही करेक्ट, वही आंसर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। और अहमद को भी थैंक यू। मेरा नमस्ते आप महुआ जी तक पहुंचा देना, 100% चिट्ठी उनकी पढ़ लूंगा। If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon. So I have to learn the art of doing nothing. Wow. Which is difficult for me too. So if I don't have anything in my daily sheet that I have to do this, everything is like planned from morning to night, you know. Yeah. Then I start feeling nervous. What will I do? I don't think I can retire. You know, I have to be occupied. I cannot just sit and do nothing.